हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है ना। अब जो स्टार्ट करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़ना है वो है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। देखिए अगर आप लिखते हो वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, तो अभी तक डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ y को डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो इसका क्या यूज है यहाँ पे रेट मेजरर में, तो देखिए यहाँ पे इसको कहेंगे dy वाई बाई डी एक्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है समझने के लिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर में क्या चेंज आएगा ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच, जिनका रेडियस आर और हाइट एच है, व्हेन द रेडियस वेरीज। अगर हम रेडियस को चेंज करें तो वो क्या इम्पैक्ट करेगा उसके टोटल सरफेस एरिया पे, तो ये हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिए लेट, अगर मान लेते ए है आपका बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और आर तो दिया ही हुआ है रेडियस, तो आपको निकालना है डी ए अपॉन डी आर। ये क्यों निकालना है, चेंज इन टोटल सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, डी ए अपॉन डी आर, ये फाइंड करना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया जो कि आप यहाँ ए बोल रहे हो, ये क्या होता है टू पाई आर आर प्लस एच, तो ये बन गया हमारा टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच, इतना क्लियर। तो देखिए डी ए अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, डी बाई डी आर ऑफ दिस पार्ट टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच। नाउ ये क्या बन गया, देखिए आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू आर, तो ये हो गया आपका फोर पाई आर, और यहाँ आर का डिफरेंशिएशन वन, तो ये बन गया आपका टू पाई एच। तो डी ए बाई डी आर क्या आ गया, फोर पाई आर प्लस टू पाई एच। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एक फॉर्मूला आपको मिल गया कि कभी भी अगर आपको ये फाइंड करना हो कि रेडियस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो क्या इंपैक्ट करेगा, तो टोटल सरफेस एरिया कितना चेंज होगा, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला आया कि अगर रेडियस में कुछ सर्टेन चेंजेस करेंगे तो वो इसी स्केल में उसके टोटल सर्फेस एरिया पे भी इम्पैक्ट करेगा, और यही चीज कहलाता है आपका डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। किसी एक सर्टेन यूनिट में चेंज कीजिए तो दूसरे यूनिट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या चेंजेस होगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेटिव वी कैन फाइंड इट आउट वेरी इजीली, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या चेंज होगा ऑफ ए स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। जब डायमीटर को चेंज करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या इम्पैक्ट होगा उसका, ये हमें फाइंड करना है। इट मीन्स अगर हम v बोल दें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड डायमीटर को मान लेते हम x, x बी द डायमीटर ऑफ स्फीयर, इतना क्लियर। तो देखिए यहां पे हमें क्या निकालना है, फिर dv अपॉन dx, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर, ये है यहाँ पे फाइंड करना। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्या है रेडियस, यहाँ पे हमें क्या किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसे डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, दैट इज यहाँ पे हमने एक्स बोला है डायमीटर को, तो यहाँ r को अगर हम रिप्लेस करेंगे x में तो r के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, x अपॉन टू, तो ये बन गया हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वी बाई डी एक्स, ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ 4/3 पाई r के प्लेस पे लिख दीजिए x अपॉन टू का होल क्यूब, क्लियर। नाउ 4π/3 और ये 2 का क्यूब 8, ये कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बचा, ये आ गया देखिए ये कट गया 2, तो पाई अपॉन 6
और यहाँ x क्यूब का डिफरेंशिएशन ये हो गया आपका 3x स्क्वायर। नाउ अगेन ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वेयर x इज डायमीटर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक यू विल गेट द फॉर्मूला कि अगर हम कभी भी डायमीटर को चेंज करेंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पे ये इम्पैक्ट होगा, इससे वो वॉल्यूम भी चेंज होगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। तो देखिए अगर हम वी बोल दें वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड ए कह दे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो हमें निकालना क्या है? चेंज ऑफ द वॉल्यूम मीन्स क्या इंपैक्ट होगा वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर पे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। मीन्स एम क्या है? डीवी अपॉन डीए फाइंड करना। इतना क्लियर। नाउ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हम जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। और सरफेस एरिया जो हम यहाँ पे ए कह रहे हैं तो ये क्या होता है, 4πr². नाउ वॉल्यूम इज गिवेन इन द फंक्शन ऑफ आर एंड ए इज ऑल्सो गिवेन इन द फंक्शन ऑफ आर, बट यू हैव टू फाइंड डीवी अपॉन डीए। क्लियर। तो ये हम कैसे निकाल लेंगे? तो यहाँ पे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे। देखिए ये क्या बन जाएगा, डीवी अपॉन डीए कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम डीवी बाय डीआर निकाल ले यहाँ से और यहाँ से डीए अपॉन डीआर निकाल ले तो ये इक्वल हो गया। तो देखिए डीवी अपॉन डी आर क्या बन जाएगा, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, 4/3π ये बाहर, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3r². क्लियर। अपॉन यहां पे आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो ये बन गया आपका 4×2 8πr। क्लियर। नाउ दिस पाई और दिस पाई विल गेट कैंसिल, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल, ये 4 से यहाँ आ जाएगा 2 और ये r से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बना, r/2। क्लियर। अब बोला है व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो ये जो चेंजेस है ये कब, ये क्या होगा जब हम रेडियस 2 सेंटीमीटर ले, तो ये क्या बन जाएगा, 2/2 दैट इज 1। डीवी अपॉन डीए है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ये दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क विद रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये होता है आपका 2πr। इतना क्लियर। आपको निकालना क्या है, एरिया पे इंपैक्ट, तो डीए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफेरेंस। इस क्वेश्चन का एम ये है फाइंड करना। तो देखिए ये दिया हुआ है आर में, ये भी दिया हुआ है आर में, अगेन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, तो डीए अपॉन डीसी ये हम कैसे निकालेंगे, डीए अपॉन डीआर एंड डीसी अपॉन डीआर, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2r, ये बन गया 2πr, और यहाँ r का हो गया 1, यहाँ आ गया 2π, 2π 2π कैंसिल, सो dA अपॉन dC ये क्या आ गया हमारा r। अब कह रहा है व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो देखिए dA by dC ये क्या बन जाएगा, व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, r के प्लेस पे 3 रख दीजिए तो 3 आ गया। अब ये है एरिया और नीचे है सर्कमफेरेंस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इसका यूनिट सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द बेस। मींस वॉल्यूम में क्या चेंज होगा जब हम उसके रेडियस में चेंज करें, तो हमें यही निकालना है। क्लियर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या होता है, 1/3πr² h। क्लियर। नाउ डीवी बाई डीआर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस पूरे को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए 1/3πh ये कांस्टेंट बाहर, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, तो ये आपका आ गया
टू अपॉन थ्री पाई आर एच। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। देखिए एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, एरिया में चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो टू आर, तो ये बन गया हमारा टू पाई आर। और यहाँ एक कंडीशन दिया है, व्हेन आर इक्वल्स टू फाइव सेंटीमीटर, तो ये डी ए अपॉन डी आर ये निकाल लीजिए एट आर इक्वल्स टू फाइव, तो ये क्या बन जाएगा, फाइव यहाँ रख दीजिए तो टेन पाई, देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर रेडियस। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। बॉल मीन्स स्फीयर हो गया आपका, तो आपको निकालना क्या है, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी वी बाई डी आर ये एम है इस क्वेश्चन का फाइंड करना। देखिए नाउ डी वी बाई डी आर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये क्या होता है, फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब, तो डी वी बाई डी आर ये क्या बन जाएगा, फोर अपॉन थ्री पाई, ये आपका कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री आर स्क्वायर हो गया। नाउ दिस थ्री एंड दिस थ्री विल गेट कैंसिल, यहां आ गया आपका फोर पाई आर स्क्वायर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज टू सेंटीमीटर। तो अब आपको डी वी बाई डी आर ये फाइंड करना है एट रेडियस इक्वल्स टू टू सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, आर के प्लेस पे टू रख दीजिए तो टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू फोर सिक्सटीन पाई, वॉल्यूम है यहाँ यूनिट क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ रेडियस सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट, द टोटल कॉस्ट सी एक्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, एक इक्वेशन है आपके पास गिवन, सी एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन एक्स क्यूब माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस फोर थाउजेंड। इतना क्लियर। ये इक्वेशन किसका है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा, ये जो एक्स है प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, स्वाभाविक सी चीज है, ओवरऑल आपका जो कॉस्ट डिपेंड करेगा वो आपके टोटल प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर इसमें अगर कुछ चेंज हो रहा है दैट मीन्स प्रोडक्शंस में भी आप चेंज कर रहे हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर इंटू जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन, यहाँ क्या बन गया टू एक्स और ये पार्ट जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री, फिफ्टीन एक्स का डिफरेंशिएशन 15 और ये पार्ट जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो देखिए नाउ अब बोला है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, मींस ये चीज आपको निकालना है डी ऑफ सी एक्स अपॉन डी एक्स व्हेन कितना दिया है प्रोडक्शन 17 यूनिट मींस एक्स इक्वल्स टू 17, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 0.007 और फिर ये 17 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.003 इंटू 17 प्लस 15। तो जब आप ये पार्ट कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 20.967 रुपीस। क्लियर। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 है, वहां टोटल कॉस्ट बोल रहा था, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू बोल रहा है। तो रिवेन्यू का आपका इक्वेशन गिवेन है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, ये क्लियर। नाउ x क्या है आपका टोटल सेल, सेल पे ही आपका डिपेंड करता है कि कितना रिवेन्यू जनरेट होगा। तो देखिए तो ये है x, तो आपको निकालना क्या है, रिवेन्यू पे इंपैक्ट होगा अगर सेलिंग कम या ज्यादा होगा दैट मीन्स dx, तो ये क्या हो गया आपका 26x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 26x x का डिफरेंशिएशन 1, तो सिर्फ 26 बचा और ये कांस्टेंट है जीरो हो गया। अब बोला है फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 7, तो dr बाय dx निकालना है आपको व्हेन x इक्वल्स टू 7, सेल आपका दिया हुआ है टोटल सेल 7, तो ये क्या हो जाएगा 26 इंटू 7
प्लस 26, ये आ गया 7 6 42, 14 प्लस 4 18 प्लस 26, तो ये हो गया 202 प्लस 6 208। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द मनी टू बी स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अ फर्म इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इफ द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आरएक्स इक्वल्स टू दिस। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, ये टोटल रेवेन्यू का, ठीक है, ये एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल, और ये सेल किस पे डिपेंड करेगा, जितने भी एम्प्लॉय उस वेलफेयर में आएंगे, ठीक है, और कुछ ना कुछ खरीदेंगे तो इस पे इसका टोटल रेवेन्यू डिपेंड करेगा, और ये टोटल रेवेन्यू डिपेंड करेगा कि कितना खर्च करना है उस वेलफेयर में, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इक्वल्स टू 5। तो देखिए रेवेन्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल पे, दैट मीन्स, और सेल क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल, ये प्रोडक्ट एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया 6x, और यहाँ हो गया 36, ये 5, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। नाउ अब ये चीज आपको फाइंड करना है व्हेन x इक्वल्स टू 5, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 5 प्लस 36, तो 30 प्लस 36 रुपीज, ये आ गया आपका 66। ये क्लियर? एंड राइट विच वैल्यू डज द क्वेश्चन इंडिकेट। तो देखिए 5 पे ये है, अब अगर 5 से 6 हो रहा है, 5 से अगर आप 6 कर रहे हो टोटल एम्प्लॉय को, तो आपको जो है एक्स्ट्रा रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे, तो ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का, ये कंप्लीट हुआ, एंड आई होप कि समझ आया हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 को देखेंगे।